सबकी जोड़ी बनाता भाग्य विधाता। वैसे अब तो भाग्य विधाता ने बिंदिया और विनय की जोड़ी को बनाकर मिला भी दिया है, लेकिन लगता है कि अभी भी कुछ ट्विस्ट और टर्न्स इनकी जिंदगी में बाकी है। तभी तो विनय और बिंदिया को अब अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। हमने घर छोड़ा है, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम जहाँ जहाँ जाओगे हम तुम्हारे साथ आएंगे, क्योंकि हम सब एक हैं। अनजानी सी सूनी सड़क, लेकिन अनजानी सड़क पर लोग तो जाने पहचाने हैं। बिंदिया विनय हाथ में अपना बोरिया बिस्तर लेकर चल पड़े हैं अपने लिए एक नया आशियाना ढूंढने। प्यार होता है तो सारी मुसीबतें भी लेकर साथ में आता है और बहुत सारी खुशियां भी साथ में होती है, तो आई थिंक लगता है ये एक लाइफ का प्रोसेस है। तो काफी टाइम से पुनपुन वाले कुछ ना कुछ करते रहे थे, हर बार सभी लोग चुप रहते थे, लेकिन इस बार सबने हम चारों लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि इस बार घर छोड़ देंगे। बिंदिया विनय संग पूनम विमलेश और राजा भैया, इन सभी का चेहरा तो जाना पहचाना है, लेकिन ये नया साथी कौन है जो इनका साथ दे रहा है? राजा भैया के भगाने के बाद भी इन सभी का साथ ही नहीं छोड़ रहा। लगता है इन जनाब को आप सबके साथ ही चलना है। बार बार पुनपुन वाली की साजिशों का शिकार हो चुकी बिंदिया के लिए तो ये कोई नई तकलीफ नहीं थी, लेकिन लल्ला जी के लिए अपनी भाभी पुनपुन वाली की ये चाल काफी दुखद है। भाभी के साथ भी वैसा एक रिलेशनशिप था, जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी या कुछ भी एडवाइस चाहिए होता तो वो हमेशा पुनपुन वाली से बात करता था, लेकिन कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाभी इस हद तक जाकर अपनी ही फैमिली के अगेंस्ट ये सब करेंगी, तो इस वजह से मेरे ख्याल से काफी दुख हुआ विनय को। कोई बात नहीं, बिंदिया और विनय, वो कहते हैं ना, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। आप सबके घर छोड़ने के बाद हमें तो यही लगता है कि अब आप और बिंदिया एक दूसरे के और भी करीब आ जाएंगे। इनफैक्ट आपको तो पुनपुन वाली को थैंक्स कहना चाहिए। स्टार न्यूज रिपोर्ट।